वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डी एम एल टी स्टूडेंट्स तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है टू डेज लेक्चर ऑन कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस के ऊपर है जो एट प्रेजेंट क्या है पैनेडेमिक है पैनेडेमिक है इंडिया के अंदर महामारी है ठीक है उसके ऊपर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी सेप एंड स्ट्रक्चर मोर्फोलॉजी किस तरीके की है सबसे पहले देखिए कोरोना वायरस कोरोना वायरस आर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरस दैट कोज डिजीज इन ए मेमल्स एंड बर्ड्स यानी कोरोना वायरस क्या है कि एक आरएनए वायरस है जो क्या है डिजीज कोज करता है बीमारी कोज करता है किसके अंदर मैमल्स और बर्ड्स के अंदर कोरोना वायरस कंस्टिट्यूट द सब फैमिली ऑर्थो कोरोना इन द फैमिली कोरोना ऑर्डर नीडो वायरल्स एंड रिलेम रिबोवायरी तो कोरोना वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो और फैमिली से बिलोंग करता है जिसके अंदर फैमिली क्या है कोरोना वायरी है और निडोवायरल्स या फिर रेलम क्या है इसका ऑर्डर है नीडोवायरल्स और रेलम क्या है इसका राइबोवायरी दे आर एनवलप वायरस विद ए पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर ने एंड न्यूक्लियो कैप्सिड ऑफ हेलिकल सिमेट्री यानी ये क्या है एनवोलपड वायरस है यानी इनके न्यूक्लियो कैप्सिड के ऊपर एनवलप प्रजेंट होता है और एक पॉजिटिव सेंस और सिंगल स्टैंडर्ड आर ए वाले वायरस हैं यानी जिनके अंदर जेनेटिक मटीरियल क्या प्रजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आर वायरस प्रजेंट होता है एंड ए न्यूक्लियो कैप्सिड और न्यूक्लियो कैप्सिड प्रजेंट होता है आरने के ऊपर और सिमेट्री जो सम्मिति होती है न्यूक्लियो कैप्सिड की वो किस तरीके की होती है हेलिकल सिमेट्री होती है नेक्स्ट इन ह्यूमन्स दीज वायरस कोज रेस्पाइरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल टू लिथल यानी ह्यूम्स के अंदर ये क्या कोज करता है रेस्पाइरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है जिसकी रेंज क्या है माइल्ड यानी सीवियर से लेकर लिथल तक है तो कोरोना वायरस क्या है कि कोरोना वायरस एक आर्ने वायरस है जो कि क्या है ह्यूमन्स मेमल्स और बर्ड्स के अंदर डिजीज कोज करता है जिसकी सब फैमिली औरत कोरोना वायरिनी सब फैमिली है उसकी कोरोना वायरिडी ऑर्डर है नीडो वायरल्स एंड रेलम क्या है इसका रियलम क्या है तो राइबो वायरी ये एक अनवलप्ड वायरस है एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड जी एन एजें आर एन ए जिनोम इसमें प्रजेंट होता है और न्यूक्लियो कैप्सिड किस यानी आर एन ए के जिनोम के ऊपर क्या प्रजेंट रहता है न्यूक्लियो कैप्सिड और क्या है इसकी सिमेट्री कैसी है हेलिकल सिमेट्री इन ह्यूमस दिस वायरस कोज रेस्पाइरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी ह्यूमन्स के अंदर ये क्या कोज करता है तो रेस्पाइरेशन रेस्पाइरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन कोज करता है उसकी जो रेस्पाइरेशन मैकनीज़म है उसके अंदर प्रॉब्लम कोज कर देता है जिसकी वजह से क्या है खांसी वगैरह कफिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है और ये डिजीज़ क्या है माइल्ड और माइल्ड टू लीतल है यानी सीवियर है धीरे धीरे नेक्स्ट क्या है कोरोना वायरस की मोरफोलॉजी तो मोरफोलॉजी या माइक मोर्फोलॉजी मतलब उसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर किस तरीके की है तो कोरोना वायरस आज आर लार्ज रफली स्फेरिकल पार्टिकल्स विद बल्बोस सरफेस प्रोजेक्शन यानी कोरोना वायरस एक लार्ज कॉम्प्लेक्स या रफ स्फेरिकल यानी रफ यानी क्या है उसकी खुरदरी सरफेस होती है स्फेरिकल स्फेरिकल यानी गोलाकार पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बल्बस सरफेस प्रोजेक्शन यानी स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं बल्ब जैसी सरफेस के ऊपर उसकी बाहरी जो सरफेस है उसके ऊपर बल्ब जैसी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट ही एवरेज डाया ऑफ द वायरस पार्टिकल इज़ अराउंड 125 ट्वेंटी फाइव एन यानी नैनोमीटर यानी एवरेज जो डा डाया मीटर होता है कोरोना वायरस का वो कितना होता है 125 नैनोमीटर होता है ही डायामीटर ऑफ द एनवल्प इज 85 फाइव नैनोमीटर एंड द स्पाइक्स आर 20 नैनोमीटर लॉन्ग यानी इसका डायामीटर तो कितना होता है एक सौ पिचासी नैनोमीटर होता है वायरस के एनवलप का डायामीटर और जो इसके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं इसकी सरफेस पे जो बल्ब जैसी संरचना है स्ट्रक्चर है वो कितने एम mm एम के लॉन्ग होते हैं तो वो ट्वेंटी नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं लंबे होते हैं द वायरल कंसिस्ट ऑफ ए लिपिड बाई लेयर इन विच द मेम्ब्रेन, एम एनवलप ई एंड स्पाइक्स स्ट्रक्चरल प्रोजेक्शन आर एनकोर्ड। यानी वायरल का जो एनवलप है उसके अंदर क्या है लिपिड की बाई लेयर प्रजेंट होती है जिसमें एक तो मेम्ब्रेन होती है एक एनवलप प्रजेंट होता है और स्पाइक्स प्रजेंट होते हैं जो क्या है प्रोटीन की स्ट्रक्चर है और एनकोल्ड है ऑन एवरेज एक कोरोना वायरस पार्टिकल हैज़ 74 फ़ोर सरफेस स्पाइक्स और एक एवरेज देखें अपन तो एवरेज के अंदर उसकी मोरफोलॉजी के ऊपर उसके एनवलप या बाहरी सरफेस पे कितने स्पाइक्स होते हैं 74 फोर पाइक लाइक सरफेस प्रोटीन कार्ड हीम ऐग्लुटीन एस्टर एस्ट्रेज और जो स्पाइक लाइक प्रोटीन है सरफेस पार्टिकल है वो किसके बने होते हैं तो हीम ऐग्लुटीन एस्ट्रेज प्रोटीन के बने होते हैं तो कोरोना वायरस है एक बड़ा रफ या स्फेरिकल पार्टिकल है जिसके ऊपर बल्ब जैसी संरचना प्रजेंट होती है स्ट्रक्चर के ऊपर स्पाइक्स प्रजेंट होते हैं एवरेज डायमीटर 125 यानी 125 नैनोमीटर है जिसके अंदर एनवलप का तो 85 नैनोमीटर ननोमीटर डायमीटर है और स्पाइक्स का 20 नैनोमीटर और जिसके ऊपर लिपिड की बाई लेयर प्रजेंट होती है एनवलप के अंदर एक मैमब्रेन होती है एक एनवलप होता है और स्पाइक की स्ट्रक्चर प्रजेंट होती है और इसकी सरफेस पर कितने स्पाइक्स होते हैं सेवेंटी और जो स्पाइक लाइक प्रोटीन है सरफेस के ऊपर वो किसकी बनी है हीम एग्ल्यूटीन एस्टर की बनी होती है नेक्स्ट क्या है माइक मोर्फोलॉजी के अंदर जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है तो कोरोना वायरस कंटेन ए पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर ए यानी कोरोना वायरस के अंदर एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर ए होता है द जीनोम साइज ऑफ़ कोरोना वायरस रेंज फ्रॉम ट्वेंटी टू थर्टी वन यानी इसका जो जीनोम है उसका साइज कितना होता है एवरेज रेंज होती है इसकी 26.4 से इकतीस पॉइंट सात किलो बाइस तक नेक्स्ट ए नंबर ऑफ द नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोल्स है कोल्स टू फॉर्म ए मल्टी प्रोटीन रेप्लिकस ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स यानी क्या है कि एक नंबर ऑफ प्रोटीन कुछ नंबर्स मिलके प्रोटीन के जो क्या बनाते हैं कॉल्स एक बनाते हैं जो क्या है मल्टी प्रोटीन क्या बनाते हैं रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यानी क्या रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम जो होता है वो क्या है रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेज वो क्या है प्रोटीन की नॉन स्ट्रक्चरल कंपाउंड से मिलकर बनाए द मैन रेप्लीके प्रोटीन इज़ द आर्ने डिपेंडेंट आरने पोलिमरेज इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरने फ्रॉम एन आरने स्टैंड यानी जो प्रोटीन है यानी द मैन रेप्लिक ट्रांसक्रिप्टिड प्रोटीन है वो क्या आरने के ऊपर डिपेंड करती है यानी आरने पोलिमरेज है वो एक तरीके से आरने पोलिमरेज पर डिपेंड करता है और जो क्या डायरेक्टली क्या करता है कि आरने ट्रांसक्रिप्टेज उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए और रेप्लीकेशन के लिए उसके डिवाइडेशन के लिए आरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी जेनेटिक मटीरियल के रेप्लिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर तो आरने पोलिमरेज या फिर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके जेनेटिक मटीरियल के अंदर यानी आरने से आरने स्टैंड को कौन बनाता है आरने पोलिमरेज बनाता है और यही दो चीजें क्या है यानी ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज क्या है इसके रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कोलसेक से बने होते हैं नेक्स्ट क्या है कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है कोरोना वायरस की तो इसके अंदर क्या है स्फेरिकल और रफ़ स्ट्रक्चर होती है तो सबसे अंदर की तरफ क्या होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको एन बोलते हैं फिर उसके बाद जो बाहर की तरफ है वो क्या प्रजेंट होती है मैमब्रेन ग्लाइको यानी क्या है ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और क्या है उसके बाद बाहर की तरफ जो बिल्कुल लेयर है वो उसको क्या बोलते हैं एनवलप प्रोटीन बोलते हैं और जस्ट बाहर की तरफ उसके सबसे लास्ट के अंदर क्या होता है स्पाइक्स होते हैं स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं जो आपने देखी थी हीमाग्लोटीन प्रोटीन भी बोलते हैं जिसको आर एन ए मटीरियल कैसा होता है इसके अंदर सेंस पॉजिटिव सेंस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं ठीक है और उसके बाद में क्या है मेम्ब्रेन ग्लाइको प्रोटीन की मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियो के ऊपर यानी कोर के ऊपर फिर उसके बाद एनोवलप प्रोटीन पाई जाती है यानी एनोवलप पाया जाता है जिसके अंदर बाई लेयर प्रजेंट होती है लिपिड्स की और उसके बाद में है स्पाइक्स जो कितने एम mm, एम mm के हैं तो ट्वेंटी एन एम के हैं यानी बीस नैनोमीटर के हैं ये क्या है कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है नेक्स्ट आप क्या देखोगे ट्रांसमिशन यानी किस तरीके से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है फैलता है ट्रांसमिशन में क्या है पीपल कैन कैच कोविड नाइन्टीन फ्रॉम अदर्स टू वी हैव द वायरस यानी पीपल्स के अंदर ये स्प्रेड हो सकता है वो कैच कर सकते हैं इसको खुद के अंदर किसके द्वारा जिस पर्सन के अंदर अदर के अंदर कोरोना वायरस प्रजेंट है यानी ये स्प्रेड हो सकता है द डिजीज स्प्रेड प्राइमरली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रो स्मॉल ड्रॉपलेट यानी डिजीज जो स्प्रेड हो रही है कोरोना वायरस की बीमारी वो किसके द्वारा हो रही है तो वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा स्प्रेड हो रही है यानी स्माल जो ड्रॉपलेट्स होती है उसके द्वारा स्प्रेड हो रही है फ्रॉम द नोज एंड माउथ यानी जो नोज से या फिर माउथ से निकल रही है उन ड्रॉपलेट्स के द्वारा विच आर एक्सपेल्ड वी ए पर्सन विद कोविड नाइन्टीन कफ स्नीज और स्पीक्स यानी जब क्या है वो एक्सपेल्ड होती है बाहर कब निकलती है जब कोई कोई कोविड नाइन्टीन का पर्सन यानी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग यानी खांसता है या फिर स्नीजिंग छींकता है या फिर वो स्पीकिंग यानी बोलता है किसी पर्सन के साथ <coughs> उसके साथ जो ड्रॉप्स निकलती है एयर ड्रॉपलेट उनके द्वारा क्या है कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है पीपल कैन बिकम इन्फेक्टेड बाई टचिंग दिज ऑब्जेक्ट और सरफेस देन टचिंग देयर आईज नोज और माउथ और पीपल्स यानी जिस इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा अगर कोई सरफेस या फिर अदर कोई प्रोजेक्ट को टच किया गया है और उसको क्या है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन टच करके अपनी आइज़ वगैरह या फिर माउथ के ऊपर टच कर लेता है तो उसके द्वारा भी ये क्या है कोविड नाइन्टीन क्या है स्प्रेड हो रहा है दिस इज़ वाई इट इज़ मोर दिस इज़ वाहे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉश यूर हैंड रेगुलरली विद सॉप एंड वाटर और क्लीन विद एल्कोहल बेस्ड हैंड रब और इसीलिए जरूरी है कि आप अपने हैंड्स को बार बार रेगुलरली वॉश करते रहिए किसके साथ यानी सोप यानि साबुन या फिर वाटर के साथ या फिर एल्कोहल के साथ यानि सैनिटाइजर के साथ तो कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस किसके साथ स्प्रेड होता है प्राइमरली तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के साथ स्प्रेड होता है वो नेक्स्ट क्या है लैब डायग्नोसिस यानी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से तो सबसे पहले तो उसके लिए सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है तो कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ स्पेसीमैन तो रेस्पाइरेटरी मटेरियल सबसे पहले आपको पता है ये इन्फेक्शन कहाँ करता है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में करता है तो मटेरियल कहाँ से लेंगे अपन रेस्पाइरेटरी मटेरियल लेंगे इट इज़ कलेक्टेड थ्रू द नोज और माउथ स्वैप और स्पूटम इफ़ द कफ इज प्रोडक्टिव यानी अपन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं इसका मटीरियल तो इट इज कलेक्टेड थ्रो यानी अपने नोथ से या माउथ स्वैब से कलेक्ट कर सकते हैं कोई स्वैब को काम में लेके या फिर अपना स्पूटम कफ को कलेक्ट कर सकते हैं कफ भी क्या है एक प्रोडक्टिव है इसके लिए सैम्पल का, का काम करता है इन ए पेशेंट इन सीवियर रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस एंड एंडो ट्रेकिअल एस्पायरेट और ब्रोंकि लार्वर इज यूज यानी किसी पर्सन के अंदर सीवियर रेस्पायरेटरी डिस्ट्रैक्ट हो गया है सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर यानी ट्रेकिया से एक्सपायरेट कर सकते हैं उसका लावीज सीरम नेक्स्ट सीरम के द्वारा भी अपन इसका पता लगा सकते हैं नेक्स्ट है नेजल एंड औरल स्वैब द सैंपल शुड बी कलेक्टेड यूजिंग ए सैक्रोन और पोलिस्ट पोलीएस्टर फ्लोकेड स्वैब यानी जो सैंपल नेजल या ओरल स्वैब से कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं तो सैंपल को अपन सैक्रोन या पोलीस्टर फोकड जो स्वैब होता है उसके द्वारा अपन कलेक्ट कर सकते हैं स्वैब करके इट शुड बी इमीडिएटली सेंड टू द लेबोरेटरी मेकिंग श्योर दैट द टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इज़ फ़ोर डिग्री सेल्सियस और स्वैब करने के बाद अपने को जल्दी इमीडिएटली लैब के अंदर सेंड करना है स्वैब को कितने डिग्री टेम्परेचर पे फोर डिग्री सेल्सियस पे इट शुड बी इमीडिएटली टेस्टेड ऑन और बिफोर इट रीच फाइव डेज पोस्ट कलेक्शन और इसको क्या इमीडिएटली अपने को टेस्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कलेक्शन के बाद कितने दिन निकल सकते हैं पाँच दिन यानी पाँच फाइव डेज से पहले इसको इन्वेस्टिगेट करना है स्वैब को इट इज़ ए मस्ट टू प्लेस द स्वैब इन द सेम ट्यूब टू इंक्रीज द वायरल लोड और इसको सेम ट्यूब के अंदर अपने को क्या है स्वैब को डाल देना है ताकि जो वायरल लोड है इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट ब्रोंको एल्वि ब्रोंको एल्वी लावेज तो यानी ब्रोंकियोल से अपने को क्या है लावेज निकालना है द स्पेसीमैन शुड बी प्लेस्ड इन ए स्ट्राइल कंटेनर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग यानी अपने ब्रोंकिअल स्वैब करके अपन क्या है कोई सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं तो द स्पेसी मैन शुड भी प्लेस इन ए स्ट्रायल कंटेनर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग शुड भी फोर डिग्री सेल्सियस और अगर अपन ब्रेंको ब्रौंक ब्रोंको एलवीलेयर से कोई सैंपल लेते हैं तो उसको कहाँ पे कलेक्ट करना है स्ट्राइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है और उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे रखना है फोर डिग्री सेल्सियस पे और चैकड विद इन टू डेज और दो दिन के अंदर उसकी चैकिंग करनी है इफ़ इट पास्ट टू डेज द टेम्परेचर शुड भी लेस देन फोर्टी डिग्री सेल्सियस और दो दिन से ज़्यादा अगर निकल जाते हैं तो टेम्परेचर अपने को कितना रखना है लेस देन सेवेंटी डिग्री सेल्सियस यानी सत्तर डिग्री सेल्सियस से कम रखना है तो नेजल और औरल और स्वैब से अपन स्वैब करके यानी सैक्रोन या पोलियस्टर फ्लॉक का स्वैब काम में लेके अपन स्वैपिंग कर सकते हैं सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं उसको इमीडिएटली लैब के अंदर सेंड कर सकते हैं फोर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रख के या फिर ब्रोंकी्यूल वॉशिंग कर सकते हैं ब्रोंकीुलल का लावेज कलेक्ट कर सकते हैं अपन यानी लंग्स के अंदर जो ब्रोंकिल्स प्रेजेंट होती है वहाँ से भी अपन स्पेसीमैन को सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है और उसको अपन दो दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर दो दिन से ज़्यादा निकलते हैं तो अपन कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे लेस देन सेवेंटी डिग्री यानी सत्तर डिग्री से कम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि जो सैंपल है वो सही प्रॉपर वे में प्रोटेक्टेड रहे नेक्स्ट क्या है और क्या क्या सैंपल ले सकते हैं अपन स्पूटम को काम में ले सकते हैं द स्पेसिमेन इज प्लेस इन ए स्ट्राइल कंटेनर एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी एट ए टेम्परेचर ऑफ़ फोर डिग्री सेल्सियस यानी स्पूटम को अपने कफ को किस में कलेक्ट करना है एक स्ट्राइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है और इसको क्या है? लेब को ट्रांसपोर्ट कर देना है कितने डिग्री के टेम्परेचर पे फोर डिग्री सेल्सियस पे टिश्यू फ्रॉम बायोप्सी या ऑटोप्सी ऑफ द लंग यानी अपन बायोप्सी या ऑटोप्सी लेके इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं द स्पेसीमेन इज प्लेस इन एस ट्रायल कंटेनर यानी स्पेसीमैन को कहाँ पे लेना है बायोप्सी के सैंपल को तो कहाँ पे लेना है एक ट्रायल कंटेनर में प्लेस करना है विद वाटर एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग एट ए फोर डिग्री सेल्सियस और इसको क्या है कि वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है यानी क्या है कि वाटर के अंदर रखना है और इसको क्या है ट्रायल कंटेनर में लेने के बाद इसको चार डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर लैब के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना है ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके नेक्स्ट है सीरम द सीरम इज कलेक्टेड एंड प्लेस इन ए सीरम सेपरेटेड ट्यूब यानी क्या है सीरम को कलेक्ट करना है और सीरम सेपरेटेड जो ट्यूब आती है प्लेन ट्यूब उसके अंदर कलेक्ट कर लेना है एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी और लेबोरेटरी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है कितने डिग्री टेम्परेचर पे फोर डिग्री सेल्सियस पे अपन होल ब्लड का सैंपल भी ले सकते हैं द स्पेसिमेन इज प्लेस इन ए कलेक्शन ट्यूब एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग एट फोर डिग्री सेल्सियस और कंप्लीट ब्लड का स्पेसीमैन भी अपने को कहा लेना है कलेक्शन ट्यूब के अंदर लेना है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है लेबोरेटरी के अंदर कितने डिग्री टेम्परेचर पे फोर डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो का सैंपल भी काम में ले सकते हैं अपन टिश्यू या लंग्स की बायोप्सी को अपन काम में ले सकते हैं कोरोना वायरस की इन्वेस्टिगेशन में सीरम को भी काम में लिया जा सकता है या फिर होल ब्लड को काम में लिया जा सकता है अभी जो एट प्रेजेंट में अपन काम में ले रहे हैं वो क्या है लंग्स या फिर क्या है जो माउथ का स्वैब है नेजल स्वैब है उनको काम में लेते हैं स्वैब को फिर क्या है वायरस को कल्चिवेट या फिर उसको पीसीआर लगा के देखते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं नेक्स्ट और अपन किसका स्पेसिमेन ले सकते हैं इसके लिए तो अपन और क्या ले सकते हैं यूरिन ले सकते हैं द यूरिन इज़ प्लेस इन ए स्ट्राइल यूरिन कलेक्शन कंटेनर यानी यूरिन को कहाँ पे कलेक्ट करना है कोरोना यानी एक स्ट्राइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है एंड ट्रांसपोर्ट टू तो द लेबोरेटरी और लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना है कितने डिग्री सेल्सियस पे फोर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर नेक्स्ट क्या है आपकी लैब डायग्नोसिस या लैब के अंदर कौन सी कौन सी किट्स काम में लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तो सबसे पहले क्या है सीरोलॉजिकल अगर टेस्टिंग देखें तो रैपिड कार्ड डायग्नोसिस भी चल रही है यानी रैपिड्स के कार्ड आते हैं कोविड नाइनटीन के जिसके अंदर एंटीजन या एंटीबॉडीज़ कोटेड होते हैं किसकी कोविड नाइन यानी कोरोना वायरस की और नाइट्रोसोलोलोस पेपर के ऊपर रैपिड कार्ड टू डिटेक्ट कोरोना वायरस के एंटीजन या एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अगर रैपिड कार्ड के ऊपर एंटीजन क्या है कोटेड किया गया है तो अपन क्या डिटेक्ट करेंगे पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करेंगे कोरोना के लिए अगर क्या है एंटीबॉडीज़ कोटेड की गई हैं रैपिड कार्ड के ऊपर यानी नाइट्रोसेलुलर्स पेपर के ऊपर तो क्या डिटेक्ट करेंगे अपन एंटीजन डिटेक्ट करेंगे और ये टेस्ट क्या है स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है अभी तक कन्फर्मेट्री टेस्ट नहीं आया है नेक्स्ट क्या है एलाइजा टेस्ट के अंदर अपन एंटीबॉडीज़ या क्या है एंटीजन अप्लाई करके अपन क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कोविड नाइन्टीन यानी कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं फिर क्या है जो स्पेसिफिक अभी टेस्ट चल रहा है वो क्या है टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी आर टी चल रहा है यानी जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रजेंट है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन के लिए उसके लिए क्या चल रहा है पी एंजाइम चल रहा है यानी पी मेथड को काम में ले रही है एंजाइम को डिटेक्ट करने के लिए ये क्या है डायग्नोस्टिक पैलर है पैनल है दूसरा कल्चर मेथड कल्चर मेथड के द्वारा अपन वायरस को इनोकुलेट करवा के सेल्स के अंदर इनोकुलेटेड सेल्स के अंदर क्या है अपन पता लगा सकते हैं कि क्या है कि वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है नेक्स्ट क्या है बायोप्सी के सैंपल द्वारा या फिर हिस्टोपैथोलॉजी की द्वारा अपन क्या है? इसका पता लगा सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूसन जो हैं वायरोलॉजी के उनके ऊपर और क्या है नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा आपका इम्यूनिटी वो क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से क्यूसन्स वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे वायरोलॉजी के अंदर से थैंक्स टू ऑल